गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी कल हमने यात्रा करी थी श्री माता वैष्णो देवी की। अभी हमने होटल से चेकआउट किया है और अब हम जाएंगे पटनी टॉप। एक दिन में लोकल साइट सीन्स कवर करेंगे, उसके बाद शाम को जम्मू ग्रो, फिर हम दो दिन शायद जम्मू में रहेंगे। तो अभी चलते हैं। टाइम हो रहा है वो 10 बज रहे हैं और हम 8:30 निकले थे होटल से। अभी हम पटनी टॉप में लगभग 1 घंटा और लग जाएगा जाने में। सुबह कुछ खाया नहीं था तो अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते और ये है होटल। ये मेरे पीछे कश्मीर नेशनल हाईवे है, यहाँ से जो पटनी टॉप है वो लगभग 40 किलोमीटर है, 1 घंटा क्रॉस कर जाएगा थोड़ा पहाड़ का रास्ता। बाकी पटनी टॉप हो पहला रहेगा अपने गुंडोले पे जो रोप है, उसके बाद आएगा डाक मंदिर। हाँ, नाग मंदिर के बाद अगर आप घोड़ों के ऊपर जाते हो एप्पल गार्डन वगैरह घूमने के लिए ऊपर, फिर उधर पार्क है वगैरह, फिर चिल्ड्रन गार्डन आएगा, सर्कल रोड आता है उधर एक। किस टाइम तक हो जाएगा दौड़? घंटा घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा लगेगा सारे घूमने। 1 घंटा तो रोप में लग जाएगा, जिगर जाना होगा रोप में। बहकी सभी जुबा है, हम है हजार। यहाँ पे 80 रुपए देने हैं, ये ड्यू रहता है, ये टूरिस्ट का ही रहता है, ये हमको ही देने पड़ते। टॉप में एंट्री हो चुकी है हमारी। ये हम पटनी टॉप में आ गए और ये पहला स्पॉट रोप वे। काफ़ी अच्छा व्यू और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है, बोले गर्मी का मौसम है। अभी मैं आपको पीछे का इसमें व्यू दिखाता हूँ। नीचे तो काफ़ी गर्मी थी बट यहाँ आके थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है। तारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। 1.5 घंटा क्रॉक्स टाइम है इसमें नीचे जाने का और ऊपर आने का, अगर आप वैसे भी वैसे जा सकते हैं घोड़े की भी सुविधा है। और 1100 रुपये का एक मतलब 1100 का एक टिकट पर पर्सन आपको लगेगा। तो भी चलते टिकट लेते हैं और फिर रोपवे में मिलते हैं। ये है पूरा रोपवे का रास्ता और ये आपको वहाँ पे लास्ट में नीचे तक लेके जाएंगे। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके।
ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। रोपवे का एग्जिट पॉइंट, रोपवे आपको यहाँ पे लाके छोड़ेगा और ये स्काई व्यू पॉइंट है और यहाँ का व्यू जो है काफी सुंदर अच्छा है। ये अभी हम आए हैं दूसरा पॉइंट नाथ मंदिर। पहले 2008 में हमारा आना हुआ था। ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ऐसी ना छुप छुपाए। यहाँ हम जो भी हैं ये नाग का मंदिर, और जो हमें पंडित जी ने बताया वो 1000 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं। एक बाबा जी थे, बाबा गवाह जी करके इनका नाम था। उसके बाद इन्होंने 300 साल तपस्या की और उसके बाद पिंडी का रूप ले लिया, और मंदिर में औरतों का जाना मना है क्योंकि जो इन्होंने अवतार जो लिया था वो ब्रह्मचारी के रूप में लिया। यही नाग देवता पे आपको ये 100-100 रुपए का शॉल जो मिलता है, और एक फेमस आइटम इनका यूनिक लोकल आइटम होता है बुलबुल का बच्चा, इसे बोलते हैं। अभी चल के देखते हैं अंदर क्या चीज़ होती है। और सर्दियों में गर्म रहता है, लेकिन इस आइटम को यूज़ करने का एक तरीका रहता है, वो क्या रहता है, अगर आपकी सिटी में ज़्यादा गर्मी रहता है ना, गर्मी आप गर्मियों जैसे कॉटन का बेडशीट बिछाते हैं ना बेड के ऊपर भैया, इस तरह से आपने इसको बिछाना है। और क्या करना है, आधा कटोरी पानी लेके ना इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है, 5 मिनट के लिए कूलर या फैन का हवा देना है, 24 घंटे के लिए लाइट चला जाता है, इसके ऊपर सो जाओगे इस साइड से आपको गड़ेगा चुभेगा नहीं, इस साइड से आपको ठंडा रखेगा। सर्दियों में इसको ओढ़ना है, इस तरह से वार्म करता है, गर्म रहता है। लेकिन जी ये तीसरी जगह पटोरा पार्क J&K का, ऐसा घूमने का है वैसे तो, अंदर चल के हम इसमें देखते हैं क्या है थोड़ा सा। यहाँ पे कश्मीरी लेडी सूट शॉल, छुप छुपाए, ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए हम ना। तो ये हमने घूम लिया, अभी एक और पॉइंट जो बचा हुआ है वो चिल्ड्रंस पार्क, अब हम वहाँ चलेंगे। एक बार मैं आपको पूरा इसका व्यू दूँ। अभी हम 4th पॉइंट पे पहुँचे हैं, चिल्ड्रन गार्डन। सारे स्पॉट ज़्यादा दूर दूर नहीं है, सिर्फ 5-5 मिनट की दूरी पे हैं, गाड़ी में बैठो
पाँच मिनट चलो फिर उतरो। ये व्यू ऊपर से चिल्ड्रंस गार्डन का। यहाँ पे एक दो एडवेंचर आपको मिल जाएंगे, ट्रैम्पलिन जो पीछे बच्चों का, और ये ड्रैगन, ये 180 डिग्री जाता है, और वो ट्रेन उधर छोटी सी। अब हम यहाँ से निकलेंगे और अभी शायद अगर कोई भैया पॉइंट बताएंगे तो वहाँ रुकेंगे, वरना फिर हम जम्मू के लिए निकल जाएंगे। जम्मू में आज का स्टे, कल जम्मू का टूर करेंगे। ये भी टोल आया टनल का। हाथ पकड़ कर चलने वाला लगे सुरंग को पार करने में, अब बाहर आ रहे हैं।